हाथरस केस में अब तक पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा था, लेकिन अब परिवार सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगा रहा है। हाथरस में ही हर रोज आरोपियों के पक्ष में पंचायत बुलाई जा रही है, बैठकें हो रही हैं, पूर्व विधायक भी शामिल हो रहे हैं। अब तो पीड़ित परिवार के खिलाफ प्रदर्शन तक शुरू हो गया है। अभी गांव में पुलिस खड़ी है, मीडिया मौजूद है और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तब ये हाल है। सोचिए बाद में पीड़ित परिवार के साथ क्या क्या हो सकता है। हाथरस की ये ऐसी तस्वीर है जिसको पूरे देश को देखना चाहिए। जिनको लगता है इस केस में जातिवाद का कोई एंगल नहीं है, जबरदस्ती जाति को मुद्दा बनाया जा रहा है, जिनको लगता है ठाकुर दलित के नाम पर, अगड़ा और अनुसूचित जाति के नाम पर भेदभाव अत्याचार बीते जमाने की बातें, तो आज के समाज का आईना आपके सामने। हाथरस केस पर पंचायत का आयोजन किया गया, 100 से ज्यादा लोगों का किसी भी जगह इकट्ठा होना मना है, लेकिन यहां पर 100 नहीं 200 से ज्यादा की भीड़ मौजूद है। हर कोई इंसाफ के लिए आया है। इंसाफ की मांग पीड़िता के लिए नहीं है, बल्कि आरोपियों के लिए हो रही है। यहां पर जो नारे गूंज रहे हैं उससे आप इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। मूंछों को ताव देकर सेल्फी सेशन भी किया जा रहा है और ये समाज खुद को पीड़ित बता रहा है। यहाँ का माहौल ही अलग है। यही जो पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, बीजेपी के पूर्व विधायक है राजवीर सिंह, उनके यहाँ ये पंचायत हो रही है। इसमें दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये पंचायत हुई है। हालांकि ये कहा गया था कि ये जो CBI जांच सरकार ने ऑर्डर किया उसका धन्यवाद करने के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह के नारे यहाँ पे लगे, उससे पता चलता है कि इस पूरे मामले को एक जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लगातार पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मीडिया के खिलाफ नारे लग रहे हैं और बार बार यहाँ पे आरोपियों के समर्थन में भी यहाँ पे भाषण दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आरोपियों को फंसाया जा रहा है, और जब हमने इनसे बार बार पूछा कि जो रिपोर्ट है इसमें बताया है, और खुद उस पीड़िता ने भी मरने के पहले अपना बयान दिया था, उसमें उसने चारों के नाम लिए हैं और साथ ही साथ उसने उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके बारे में बताया है, उसके साथ जो रेप हुआ था उसके बारे में बताया है, तो ये सब चीज़ों पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़िता के बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और पूरी कोशिश यही है कि इस मामले को एक जातीय रंग दिया जाए। ये पंचायत बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह के कहने पर आयोजित हुई, हालांकि उनको पंचायत शब्द से थोड़ा परहेज है। उनके मुताबिक ये तो सरकार को धन्यवाद देने के लिए छोटा सा सम्मेलन है, क्योंकि अब CBI की जांच होगी और सच सामने आएगा। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने सीधे राजवीर सिंह से बात की। इनकी बातों से साफ है इंसाफ की जंग अब ठाकुर दलित वोट पर आ चुकी है। हाथरस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह के यहाँ हाथरस में पंचायत हो रही है। यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से CBI जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अब इन लोगों का मानना है कि अब CBI जांच के बाद जो सच है वो सामने आ पाएगा। हमारे साथ राजवीर जी हैं। राजवीर जी, आप लोग CBI जांच की मांग कर रहे थे, अब सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब ये पंचायत क्यों? पंचायत नहीं है, ये सरकार के स्वागत समारोह है। सरकार जो जनता की भावना थी सरकार ने उसकी कद्र की है, अब सच्चाई सामने आएगी, इसलिए ये प्रदेश सरकार के स्वागत के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। राजवने केवल और केवल राजनीतिक दल के लोग जातीय रंग देना चाहते हैं। जातीय रंग भारतीय जनता पार्टी ने कभी दिया न भारतीय जनता पार्टी देगी। कहा जा रहा है कि ऐसी पंचायत करके जो पीड़ित परिवार है उस पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। पीड़ित परिवार पर दबाव तो केवल मीडिया के चैनलों ने और अन्य राजनीतिक दलों ने बना रखा है। वो तो हमारा परिवार है, बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी से सब लोगों के साथ रह रहा है, आबे ही सब लोगों के साथ रहेगा, अन्य कोई घटना क्यों नहीं हुई। परिवार तो कह रहा है कि उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से। आप देख रहे हैं चार दिन से गांव वाले आधे गांव छोड़ के भाग गए हैं, उनके परिवार के चार लोग आराम से रह रहे हैं, कौन जा रहा है वहां पर धमकाने के लिए? इस समय गांव को छावनी बना दिया है, वहां के लोग जो अन्य समाज के लोग थे वो तो वहां से चले गए हैं।
डर की वजह से, कौन धमकाने जा रहा है, ये सब उनका आरोप निराधार है। और वो आरोप नहीं लगा रहे, पीड़ित पक्ष जो है ड्रग भ्रमित होके जो लोग बहला फुसला रहे उनके उनके कहने पर ही आरोप लगा रहे। मेडिकल रिपोर्ट है, हालांकि उसमें रेप को फिलहाल खारिज किया गया है, लेकिन उसी मेडिकल रिपोर्ट में उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह है कि उस लड़की को टॉर्चर किया गया, गहरे जख्म है उसके शरीर पर। पहली बात तो ये है कि उस लड़की की माँ, जिस समय कोई छोटी मोटी घटना होती थी उस लड़की की माँ उसके पास थी, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ गया। लेकिन हम जो कहते हैं अगर हुआ भी है तो अगर दोषी हैं तो उनको सजा हो, लेकिन निर्दोष को फांसी ना हो। कि जो आरोपी हैं वो बेकसूर है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सत्य है, और इसी की सच्चाई के लिए ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आरोपी जो है बेकसूर है? अरे हम लोग लोकल के रहने वाले हैं, आरोपी तो सत्य में है। कुछ आरोपी तो उस दिन वहाँ पर थे ही नहीं, उस गाँव में नहीं थे, ये भी सत्य है। हाथरस में जबरदस्त पहरा लगा हुआ है, अंदर जाना बाहर जाना एक साथ भीड़ लगाना सब मना है, लेकिन फिर भी हाथरस में हर रोज समण समाज इकट्ठा होता है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के नीचे बैठकें होती हैं, ललकार दी जाती है, निवेदन भी किया जाता है। जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना, और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे, क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा कि मीडिया और नेता कहने बलात्कार। जब तक आप साथ हो कोई दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम सर हम तो केवल यू ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी, हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तो हम तो किसी को सता नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। सब नार को टेस्ट करा लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो एसआईटी जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए। सोचिए जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी है, जिस परिवार को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं दिया गया, जो परिवार राजनीति के अखाड़े में फंस गया हो, उस बेबस पिता को, माता को अब सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। क्या इंसाफ मांगना भी अब गुनाह हो गया है? और अब देखिए